काउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। टैली की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि टैली में जर्नल वाउचर क्या है और उसमें ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं। दोस्तों, टैली का नया वर्जन आ गया है, इसलिए हम इस वीडियो के बाद tally.erp9 पर वीडियो बनाना बंद करके उसकी जगह टैली के नए वर्जन टैली प्राइम पर वीडियो बनाना शुरू करेंगे। यहाँ हम आपको दो महत्वपूर्ण बात बता दें। पहली तो ये कि टैली का नया वर्जन आने से आपने अभी तक जो भी सीखा है उसमें से कुछ भी बेकार नहीं जाएगा। नए वर्जन में टैली को काम करने की दृष्टि से और सरल बना दिया गया है। और दूसरी बात, जो लोग अभी tally.erp9 पर काम कर रहे हैं वो भी चलता रहेगा जब तक कि आप उसे अपग्रेड नहीं कर लेते। इसके पहले वाले वीडियो में आपने क्रेडिट नोट वाउचर क्या है और उसमें सेल्स रिटर्न की ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये जाना, और आज आप जानेंगे जर्नल वाउचर के बारे में। यहाँ आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है जिसे हम पहले ही दूर कर देते हैं। हमने आपको मैनुअल अकाउंटिंग में बताया था कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, या सरल शब्दों में कह सकते हैं जर्नल एक पुस्तक के रूप में रखी जाती है जिसमें सभी ट्रांजैक्शंस तिथिवार और क्रमानुसार रखे जाते हैं। और ये भी बताया था कि टैली ने कंप्यूटर अकाउंटिंग में जर्नल के स्थान पर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए 8 अलग अलग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग वाउचर्स बना दिए हैं, जिसमें से अभी तक हम 7 वाउचर्स के बारे में समझ चुके हैं। और जो 8वां वाउचर है उसका नाम भी टैली ने जर्नल वाउचर रखा है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में समझाने जा रहे हैं। यहाँ हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि मैनुअल अकाउंटिंग में जो जर्नल होता है टैली ने उसे 8 वाउचर्स में बांट दिया है, और उसका जो 8वां वाउचर है उसका नाम भी जर्नल वाउचर है। तो यहाँ आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैनुअल अकाउंटिंग का जर्नल और टैली का जर्नल वाउचर दोनों एक ही हैं। जैसा कि हमने आपको वाउचर्स क्या हैं और उनके उपयोग वाली वीडियो में बताया था कि टैली में जर्नल वाउचर्स में जो जो एंट्रीज की जाती हैं वो हैं ओपनिंग एंट्रीज, रेक्टिफाइंग एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, एंट्रीज रिगार्डिंग डिसऑनर ऑफ चेक्स, क्रेडिट परचेसेस एंड सेल ऑफ थिंग्स अदर देन गुड्स, एंट्रीज ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ऑनर फॉर पर्सनल यूज एटसेट्रा। अभी सरल भाषा में इतना समझ लीजिए कि जिस ट्रांजेक्शन को हम टैली की इस वीडियो सीरीज में पहले बताए गए 7 वाउचर्स में से किसी भी वाउचर में रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं वो जर्नल वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। अभी हम आपको इस वीडियो में कुछ सरल एंट्रीज बता रहे हैं, बाकी सभी एंट्रीज आगे हम आपको जर्नल वाउचर के एडवांस पार्ट में बताएंगे, क्योंकि इसके पहले हमें बहुत सी अन्य बातों की जानकारी होना आवश्यक है। यहाँ पर एक खास बात और समझ लें कि जर्नल वाउचर में ट्रांजैक्शन को रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर और कॉन्ट्रा वाउचर की तरह ही डेबिट और क्रेडिट का उपयोग करते हुए यानी वाउचर मोड में ही रिकॉर्ड किया जाता है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि रिसीट वाउचर और पेमेंट वाउचर दोनों में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते समय एक पक्ष कैश या बैंक का होता है, और कॉन्ट्रा वाउचर में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय दोनों ही पक्ष कैश और बैंक के होते हैं, जबकि जर्नल वाउचर में प्रायः कैश या बैंक अकाउंट का उपयोग नहीं किया जाता है। आइए हम जर्नल वाउचर से संबंधित कुछ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लेते हैं। हमारा पहला ट्रांजैक्शन है 2 मई को रॉयल फर्नीचर के बिल नंबर 311 से हमने 25,000 रुपए का फर्नीचर उधार खरीदा। आपको ध्यान होगा कि हमने बताया था कि यदि कोई ऐसी वस्तु हम उधार खरीदते हैं जो बेचने के लिए नहीं है, यानी हम जिसका व्यापार नहीं करते हैं, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को जर्नल वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ ये भी याद रखें कि यदि हमने फर्नीचर नकद खरीदा होता तो इस ट्रांजैक्शन को हम सीधे पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करते। इस ट्रांजैक्शन में प्रभावित होने वाले दोनों पक्ष कौन से हैं और उनमें से कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा, इसकी प्रैक्टिस हम आपको पहले अच्छे से करवा चुके हैं। यहाँ रॉयल फर्नीचर का अकाउंट क्रेडिट होगा और फर्नीचर का अकाउंट डेबिट होगा। आइए अब जर्नल वाउचर में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। अकाउंटिंग वाउचर के लिए वी प्रेस करें। यहाँ जर्नल वाउचर की शॉर्टकट की है F7, हम इसे प्रेस कर रहे हैं। डेट बदलने के लिए F2 की प्रेस करें। डेट चेंज करने के बाद एंटर प्रेस करें। पर्टिकुलर के नीचे DR दिखाई पड़ रहा है,
यहाँ हमें जिस अकाउंट को डेबिट करना है उसे सिलेक्ट करना होगा। हम फर्नीचर अकाउंट सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर अमाउंट डालें, एंटर प्रेस करते हुए हम सीआर पर आ गए हैं। यहाँ हमें सीआर ही चाहिए, इसलिए एंटर प्रेस करके आगे बढ़ें। यहाँ हमें जिस अकाउंट को क्रेडिट करना है उसे सिलेक्ट करें। चूंकि रॉयल फर्नीचर का लेजर बना हुआ नहीं है तो बना लेते हैं। ध्यान रखें, इसका लेजर सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में बनेगा क्योंकि ये भी हमारी देनदारी है। ये देखिए, क्रेडिट में रॉयल फर्नीचर का नाम आ रहा है, साथ ही क्रेडिट में अमाउंट भी आ गया है। यहाँ इसका नरेशन टाइप करें और आखिर में एंटर प्रेस करते हुए इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लें। आइए अब दूसरा ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। हमें अशोक ट्रेडर्स से कमीशन का 5,000 रूपए का ICICI बैंक का जो चेक, जिसका नंबर 555555 था, 1 मई को प्राप्त हुआ था, जिसे हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा किया था। वो चेक 31 मई को बैंक से डिसऑनर होकर यानी बाउंस होकर वापस आ गया। इस ट्रांजेक्शन को ध्यान से देखें। इस तरह का ट्रांजेक्शन ना तो पेमेंट है, ना रिसीट है, ना परचेज है और ना ही सेल। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो ट्रांजेक्शन किसी वाउचर में रिकॉर्ड नहीं होता है उसे जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले F2 की प्रेस करके तारीख बदल लें। ध्यान दें, हमें जब चेक प्राप्त हुआ था तब हमने सीधे कमीशन अकाउंट को क्रेडिट करके बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया था, पर यहाँ हम कमीशन अकाउंट को डेबिट ना करते हुए सीधे उस पार्टी के अकाउंट को डेबिट करेंगे जिसने हमें चेक दिया था, क्योंकि हम कमीशन वापस नहीं कर रहे हैं, कमीशन तो हमें लेना ही है। हाँ, अब हमें ये अमाउंट उस पार्टी से लेना है, इसलिए यहाँ हम उस पार्टी को डेबिट कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं। जब हमें चेक प्राप्त हुआ था तो हमने उसे बैंक में जमा किया था और ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते समय बैंक के अकाउंट को डेबिट किया था, और अब बैंक ने हमें वो चेक वापस दे दिया है तो हमें बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। यानी ये ट्रांजेक्शन इस तरह से रिकॉर्ड होना है। DR में तो हमने अशोक ट्रेडर सिलेक्ट कर लिया, पर CR में लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में बैंक का नाम नहीं आ रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जर्नल में प्रायः कैश या बैंक अकाउंट का उपयोग नहीं किया जाता है, पर कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं जब हमें कैश या बैंक के अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करना पड़ता है, जैसा कि यहाँ हो रहा है। तो इसके लिए हमें F12 की प्रेस करके अलाउ कैश अकाउंट्स इन जर्नल वाउचर ऑप्शन को इनेबल करना होगा। देखिए, ऐसा करते ही यहाँ कैश और बैंक दोनों ही तरह के अकाउंट्स दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें से हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर रहे हैं। बैंक सिलेक्ट करते ही बैंक एलोकेशन विंडो आ गई है। इसमें यहाँ वापस आए चेक का नंबर टाइप करें और यहाँ चेक की तारीख टाइप करना होगी। आखिर में नरेशन टाइप करके इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लें। चलिए आपको जर्नल में रिकॉर्ड होने वाले कुछ ट्रांजेक्शंस और बता देते हैं। मान लीजिए हमारा व्यापार कपड़े का है और हमने अपने शोरूम का पुराना फर्नीचर शरद यादव को उधार बेचा। इस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे देखते हैं। इस ट्रांजेक्शन को देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें सेल की गई है, पर जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि हम जिन वस्तुओं का व्यापार करते हैं उसके अलावा अन्य कोई सामान बेचते हैं यानी सेल करते हैं, तो इस तरह के ट्रांजेक्शन को सेल्स वाउचर में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। उसकी जगह पर यदि हम इस तरह का कोई सामान नकद बेचते हैं तो उसे डायरेक्ट रिसीट वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है, और यदि उधार बेचते हैं तो इसे हमें जर्नल वाउचर में ही रिकॉर्ड करना होगा। तो इस ट्रांजेक्शन को इस तरह से रिकॉर्ड करना होगा। मान लीजिए हमने सुधीर दुबे को 50,000 रूपए उधार दिए, जिसका ब्याज 1,000 रूपए हमें उससे लेना है, तो इस ट्रांजेक्शन को इस तरह से रिकॉर्ड करना होगा। इस वीडियो में आपने जर्नल वाउचर के बारे में जाना। जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, एक बार फिर दोहरा दें,
हम tally.erp9 की इस सीरीज को यही समाप्त कर रहे हैं और जल्द ही टेली प्राइम पर काम शुरू करेंगे।